भाई वो मार देगी मुझे। कौन तेरी जान के पीछे पड़ा है? मेरी बीवी। कहाँ है वो यूरो ट्रिप वाले पैसे? वो मैंने किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर दिए थे। यार बस बहुत हो गया यार तुम्हारा, मैं जा रही हूँ। अब कहाँ जा रही हूँ यार? अपने पापा के पास। अरे रुक ना। अरे ये किसका फोन आ गया? अरे ये तो संजना के पापा का फोन है, ये पक्का आप गालियाँ सुनाएंगे। हाँ जी नमस्ते पापा जी। और सुमन कैसा है? पापा आपको तो पता ही है, संजना ने आपको सब बता ही दिया होगा। अरे उसने तो ऊपर ऊपर से बताया, तू थोड़ा डिटेल में बता, साहब कहाँ कटवाया? क्या पापा आपको भी मजाक सूझ रहा है? बेटा मजाक तो तुम जैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर ने बना रखा है, जो किसी भी टेढ़े मेढ़े कॉइन में पैसा लगा के बैठ जाते हैं, मुझसे कुछ सीखा होता ना तो आज चार पैसे भी कमाए होते और बीवी भी घर छोड़ के ना जाती। क्या टिप दोगे पापा जी? बस जब भी पूछो तो बिटकॉइन खरीद ले, फिर पूछो तो बिटकॉइन लेके बैठ जा। अरे लोग 100-200 गुना पैसा करके बैठे हैं और आप वही पुराने जमाने के बिटकॉइन में पैसा लगा के बैठे हो। और इसीलिए ना मैं प्रॉफिट में भी हूँ। जिन लोगों ने बेटा मेरे साथ स्टार्ट किया था ना, उन्होंने भी तेरी तरह ये टेढ़े मेढ़े नाम वाले कॉइन खरीद के रख लिए थे। बात बताऊं तेरे को, एक आज तक उनकी जिंदगी सीधे रास्ते में नहीं आई। अरे प्रॉफिट तो होएगा ही, जब बिटकॉइन $3,000 पे था तब से खरीद के बैठे हैं, और अब मार्केट गिरने पर भी इस बात की हवा करते हैं कि मार्केट गिर भी जाए तो अभी हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं जाएगा। अरे आपका टाइम और लक अच्छा था जब बिटकॉइन $3,000 में मिल जाता था। बेटा उसे लक नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। जो अपनी बेटी की शादी तेरे से करवाते वक्त मैंने नहीं किया, तेरे को एक बात बताऊं बेटा, मेरे पोर्टफोलियो में एक तू ही है जो सिर्फ नेगेटिव चल रहा है, बाकी तो यार सब पॉजिटिव चल रहा है। अरे पापा एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और ऊपर से आप सुनाए जा रहे हो, तो शुरू भी तो तुमने किया था। चल अब ज्यादा मायूस मत हो, संजना को समझाता हूँ और बोलता हूँ उसको घर जाने को। लेकिन अब जो पैसे डूब गए उनका क्या करूं? रुक एक आइडिया देता हूं। थैंक यू सो मच पापा जी। यार अकेले घर पे क्या ही करूंगा, मन तो लगेगा नहीं। ऐसा करता हूं अगले 2-3 दिन ऑफिस में ही बिता लेता हूं। संजना तुम? तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था 2 दिन से, और किसी को नहीं पता था तुम कहाँ पे हो। अरे ये रो रो के तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? पहले तुम बैठो, तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो पहले तुम पानी पियो। तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। अरे यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों मुझे जीते जी मरो हो घोषित करने में तुली हुई हो? तुम भी ना, ये बताओ तुम थे कहाँ? अरे यार मैं ऑफिस में था, तुम घर पे थे नहीं तो मुझे घर खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा कुछ टाइम ऑफिस में बिता लेता। आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारे ऊपर यूरोप ट्रिप का बहुत प्रेशर डाला है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान तो तुम मुझे रोज ही करती हो। चलो ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, पर तुम टेंशन मत लो, हम हनीमून के लिए यूरोप ट्रिप जल्दी जाएंगे। मुझे नहीं जाना किसी ट्रिप पर, मुझे बस तुम चाहिए। पक्का? देख ले। हाँ, पक्का। फिर बाद में सारी जिंदगी ताने मत मारना कि कभी यूरोप ट्रिप के लिए लेके नहीं गए। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बीवी बाकियों की तरह नहीं है जो हर समय ताने मारती रहती है। अच्छा सत्य वचन बेबी, सत्य वचन। बाकी सब ठीक है, तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी। तुम कभी क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं करोगे? अरे तुम तो जानती हो क्रिप्टो मेरा सच्चा प्यार है, मेरा मतलब तुम्हारे बाद सच्चा प्यार है। मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, मैंने भी तो अपना हनीमून कॉम्प्रोमाइज किया है, प्रॉमिस करो। ठीक है बेबी। थैंक यू सो मच। हाँ तो हम यूरोप हनीमून के लिए जल्दी जाएंगे,
और फिर फाइनली यूरोप ट्रिप का प्लान बन ही गया। बस यार, अरे बता ना कैसे करा। साली मार्केट तो और गिर चुकी है, और तूने तो पैसे भी वो शिट कॉइन्स में लगाए हैं। फिर पैसों का जुगाड़ कैसे करा भाई? अरे अपने ससुर जी की बदौलत। अरे वही जो हमेशा यही कहते रहते हैं, बिटकॉइन के अलावा बाकी सब शिट कॉइन। अबे इनमें वही खोटा सिक्का काम आया है। अबे थोड़ी शर्म कर, ससुर है तेरा वो। हाँ सॉरी 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 ससुर जी, आई लव यू फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हार्ट। साले बॉटम ऑफ हार्ट होता है। हाँ जो भी है। अच्छा बता ना भाई, ऐसा क्या करा उन्होंने तेरे लिए? अरे जिस दिन बीवी जी झगड़ा करके गई थी ना अपने मायके, उसी दिन मुझे ससुर जी का फोन आया। मुझे तो लगा आज ये मेरी जमके लेंगे। वो तो आगे पीछे भी तेरी लेते रहते हैं। अरे इतना मजाक मस्ती तो चलता है ना ससुर दामाद के बीच में। अच्छा चल आगे बता। अरे उन्होंने 3-4 वेब 3 कंपनीज के साथ मेरा कॉन्टेक्ट करवाया, और एक ने तो खड़े पैर जॉब भी ऑफर कर दी। भैया भाई पहली बार देखा है कि किसी का ससुर उसकी बेरोजगारी का सलूशन निकाल रहा हो। अरे भक्स। भाई जॉब ऑफ तो ठीक है, बट सैलरी आने में, फिर सेविंग्स में 3-4 मंथ तो लग ही जाएंगे यूरोप ट्रिप करने के लिए। अरे यही तो असली ट्रिप है। आजकल काफी सारे वेब 3 कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स होते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिस कंपनी में मैं हायर हुआ हूँ ना, उस कंपनी के सीईओ ने भी मुझे बोला कि भाई हम लिस्बन में अगले महीने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फिर तो ये ट्रिप वही स्पॉन्सर कर रहे हैं। साले तूने ये बात बताई भाभी को? पागल है क्या? अरे यार मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उसे सच बताने की। अबे ऐसा क्यों? उसी की वजह से ही तो हो रहा है ये सब। हाँ पर यार उसने मुझे साफ साफ बोल रखा है कि या तो मुझे छोड़ दो या क्रिप्टो। फिर तो मैंने छोड़ दिया संजू को। संजू को छोड़ दिया? अबे पागल है क्या, मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। बस अब इन दोनों में बैलेंस बना के चलूंगा। वाह भाई तेरा सॉर्टेड है, बीवी भी खुश और जॉब भी लग गई, और अब भैया जी हनीमून पे भी जा रहे हैं। बस यार एक सीन है, ज्वाइनिंग करते वक्त ना मुझे एक ज्वाइनिंग बोनस मिला था। और वो भी मैंने शिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। बस ये संजू को ना पता। अबे साले तू नहीं सुधर सकता यार।